नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की और 24 के महासंग्राम की। दरअसल राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान हुआ और उसके बाद अब कल सुबह 8 बजे से मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और गर्मी में एसी की ठंडी ठंडी हवा के बीच 2713 टेबल्स पर कुल मिलाकर 4033 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना होगी और इसी के साथ 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरण पूरे होने के साथ ही अब मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुबह मतगणना के साथ ईवीएम मशीनों में दर्ज प्रत्याशियों के भाग का फैसला हो जाएगा। एक और जहां पर चुनाव परिणामों को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है, तो वहीं उनके समर्थकों और आम जन में भी परिणाम जानने के लिए उत्सुकता बढ़ गई है। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब कल सुबह होने वाली मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और गर्मी में एसी की ठंडी ठंडी हवा के बीच 2713 टेबल्स पर कुल 4033 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना के साथ ही 266 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा। मतगणना कार्मिकों और काउंटिंग एजेंट्स की सुविधा के लिए प्रत्येक मतगणना कक्ष में शीतल पेयजल, मेडिकल किट और कूलर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सभी मतगणना केंद्रों पर मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों के लिए भी व्यवस्था रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम, अनुमान, दावों और अटकलों के बाद परिणाम, जनमत होगा जिसके साथ उसके सिर सजेगा ताज। ईवीएम से जनता का जनमत बाहर निकलने के साथ होगा फैसला। ईवीएम खुलने के साथ 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। पहले पोस्टल बैलेट से गिनती और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग। 29 केंद्रों पर 25 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना। 2713 टेबल्स पर 4033 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना, तो वहीं 800 टेबल्स पर पोस्टल बैलेट और ETBPS की काउंटिंग होगी। ईवीएम के लिए 235 कक्ष, तो वहीं पोस्टल बैलेट के लिए 62 कक्ष। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ था कुल 62.10% मतदान। ईवीएम से 61.53%, पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.57% वोटिंग, 3,28,35,337 वोटों की ईवीएम से काउंटिंग। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, नागौर लोकसभा क्षेत्र, करौली, धौलपुर, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 मतगणना केंद्र पर काउंटिंग। कुल 3,550 माइक्रो ऑब्जर्वर, 1,200 से ज्यादा ARO नियुक्त। मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियों की बात करें तो मतगणना हॉल के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती रहेगी और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना के बाद विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, DJ वाहन का प्रयोग, वाहन रैली आदि जैसे आयोजनों पर रोक रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सभी मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। मतगणना कल 8 बजे, ठीक 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले स्ट्रांग रूम्स खोले जाएंगे 8 बजे से पूर्व, जिसमें कि 56 ऑब्जर्वर्स भारत निर्वाचन आयोग ने लगाए हैं। बहरहाल, अनुमान, दावों और अटकलों के बाद अब परिणाम की बारी है। 19 और 26 अप्रैल को ईवीएम में बंद जनता का जनमत बाहर आने के साथ ही प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तपती गर्मी में 62.10% मतदाताओं ने अपने सरकार चुनी है। इसी को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी इसे अपने अपने पक्ष में मान रहे हैं, लेकिन परिणाम आने पर ही तस्वीर साफ होगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।